चीन के डिफेंस मिनिस्टर से पुतिन मिले हैं। मॉस्को में ली शांगफू से पुतिन ने मुलाकात की है। दोनों देशों में रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति बनी है। पुतिन ने चीन को बताया अपना मजबूत मित्र। इससे पहले शी जिनपिंग की भी पुतिन से मुलाकात हो चुकी है। वो मुलाकात की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी और अब ये मुलाकात जिस पर पुतिन को बहुत भरोसा है। बिल्कुल निधि, और ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ती हुई हम देख रहे हैं। आइए समझते हैं कि रूस और चीन के बीच मजबूत होते रिश्तों की ये पूरी कहानी, पूरी दास्तान क्या है और इसका आने वाले वक्त में असर क्या हो सकता है। रूस चीन पास आ रहे हैं, पश्चिम की अटकी सांस नजर आ रही है। पुतिन ने कहा चीन और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, दोनों देश हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग कायम कर रहे हैं। अब देखिए खास बात क्या है, पिछले महीने शी जिनपिंग ने भी मॉस्को का दौरा किया था। रूस को चीन की सैन्य मदद के कयास लगातार बढ़ रहे हैं। रूसी हथियारों में चीन के कंपोनेंट्स देखे जा रहे हैं। अमेरिका परेशान है, परेशानी का सबब भी जान लीजिए। यूरोप के कुछ देश चीन से दुश्मनी के पक्ष में नहीं हैं। रूस चीन के गठजोड़ को चुनौती देना आसान नहीं होगा। रूस चीन के खिलाफ अमेरिकी मंसूबे पर वैसे भी कई सवाल हैं। ऑगस्टीन सर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, रूस और चीन की नजदीकी बढ़ना, ये अमेरिका के लिए और इसी में अगर एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए बाकी दुनिया के लिए क्या चिंता का सबब है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए आप चाइनीज का कोई भी मिलिट्री साजो सामान उठा के देख लीजिए, हाँ, चाइनीज एरोप्लेन हो, चाइनीज वॉरशिप्स हो या चाइनीज टैंक्स हो या उसके कोई भी इक्विपमेंट लेके देख लीजिए, वो या तो रशिया से खरीद के उसको हूबहू कॉपी किया हो या उससे प्रेरित हो। उनके ये अब हम सब जानते ही हैं, कट कॉपी पेस्ट में माहिर रही हैं। और ये चार सुकोई 27 इन्होंने खरीदा और उन्होंने उसको अपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी मार के उन्होंने अपना नाम चिपका करके वो दुनिया को भी बेच रहे हैं, पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं। और इसमें रूस को कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता इससे है मिलेगा क्या? नहीं, इनके जो निचले स्तर पर जो इनका जो गठजोड़ है और चीन को एनर्जी मिल रहा है, ये भरोसा करके मिलेगा क्या वो पूछ रहे हैं? नहीं, चीन पे देखिए दोनों का विचारधारा सेम है। दोस्ती करेंगे ही, ये बड़ा स्वाभाविक सा है।